हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्सर का। तो फ्रेंड, जानेंगे देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम सारी अपडेट, साथ ही जानेंगे बहुत कुछ इस वीडियो में। तो शुरू से अंत तक बने रहिए। जो इम्पोर्टेंस है परीक्षा के दृष्टिकोण से, जिस उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, जिस लक्ष्य से जुड़े हुए हैं, वह हर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, चाहे वह डाटा ऑपरेटर से हो, कार्यपालक सहायक से हो, बेल्ट्रान से हो, आने वाले भावी कार्यक्रम को लेकर हो, तमाम सारे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड से हो। चलिए देखते हैं एक करके। बहुत सारी वैकेंसी आई है और यूपीपीसीएल में लेखा अधिकारी के पद निकले हैं, देख सकते हैं। 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल 569 पद निकले हैं। सहायक इसरो में निकला है 526। सीएसएल भर्ती जो है एसएससी का निकाला गया है 4500। एडमिनिस्ट्रेंट के 76 पद हैं। कनिष्ठ सहायक निकाला गया है, भारतीय वायुसेना में निकाला गया है कार्यकारी। कुल मिलाकर जिस हिसाब से आपकी योग्यता है उसमें आप भर सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए आप ऑफिशियल साइट पे इसके जा सकते हैं, दैनिक ई पेपर भास्कर .com पे, और कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं अगर कोई भी अपडेट मिला हो। चलिए, बीते दिनों सालों में क्या क्या हुआ, क्या चर्चित रहे, क्या क्या चीज़ें घटनाएं घटी, उन चीज़ों को आइए जानते हैं। 70 साल बाद ब्रिटिश राजधानी राजशाही का चेहरा बदला। क्वीन के बाद चार्ल्स किंग बने क्योंकि महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई। 185 साल में से 135 वर्ष ब्रिटेन में रहा महारानी का शासन। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे जो है प्रिंस चार्ल्स ने राजगद्दी संभाली। 73 वर्ष की उम्र में किंग बने। और ब्रिटिश राजशाही के 1000 साल के इतिहास में वे सबसे अधिक उम्र में किंग बने। उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। जब वे 3 साल के थे तब उन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन उन्हें बनने में 73 साल लगे क्योंकि महारानी एलिजाबेथ जिंदा थी, इसलिए नहीं सौंपा जा रहा था। वह अपने बेटों की स्कूली पढ़ाई के लिए प्राइवेट ट्यूशन लगाते हैं। ब्रिटेन के शाही परिवार में एक रिवाज है, लेकिन प्रिंस चार्ल्स के मामले में ऐसा नहीं था। वह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस परंपरा से उलट स्कूली शिक्षा ग्रहण की। चार्ल्स के राजा बनने के बाद उनके बड़े बेटे ड्यूक और कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम अब वेल्स के राजकुमार कहलाएंगे। साथ ही लता बिरजू महाराज सहित 17 प्रमुख हस्तियाँ नहीं रही। लता मंगेशकर जी का भी निधन हो गया 6 फरवरी को। बिरजू महाराज जो कथक सम्राट थे उनका भी निधन हो गया। बम्पी लाहिड़ी जो गायक संगीतकार थे उनका भी 15 फरवरी को निधन हो गया। शिव कुमार शर्मा जी का भी निधन हो गया, संतूर वादक थे। पालोनजी मिस्त्री का भी निधन हो गया, सायरस मिस्त्री जो थे। राकेश झुनझुनवाला जो शेयर से रिलेटेड व्यापारी थे उनका भी मृत्यु हो गया। एलिजाबेथ द्वितीय का भी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के उनका भी, और जे ईरानी से जुड़े रहे हैं उनका भी निधन हो गया। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे उनका भी निधन हो गया। किरोड़ी सिंह बैसला गुज्जर के नेता थे उनका भी निधन हो गया। राहुल बजाज जो चेयरमैन थे उनका भी निधन हो गया। असामयिक जो है निधन हुआ तो वो शिंजो अबे का, इनको जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री से मार कर घोप कर मार दिया गया गोली वोली। सारस मिस्त्री का भी जो है ये कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। राजू श्रीवास्तव का दिल्ली में गंगाराम में ये भी कई दिनों से इलाज चल रहा था, इनकी मृत्यु हो गई। मूसे वाला को जो है गोली मार दिया गया। गायक का के इनका भी हार्ट अटैक से मौत हो गया। पुतिन और जेलेंस्की के झगड़े में दुनिया को 18,000 लाख करोड़ का नुकसान कराया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, और शायद अभी चल ही रहा है युद्ध, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन,
इसके साथ ही चर्चा में रहे हस्तियां जो बयान और विवादों से चर्चा में आए, रवीश कुमार NDTV के जो है रिजाइन कर दिए और अपना पद छोड़ दिए। खान सर भी विवादों में आए, पटना के जो है खान सर। सलमान रुश्दी जो है उनको भी प्रतिबंध लगाया गया था, हत्या की धमकी दी गई थी। ललित मोदी सुष्मिता सेन के साथ जो है इनकी फोटो वायरल हुई थी, नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ इन्होंने लिखा है, इससे सुर्खियों में आए। जैकलिन फर्नांडिस ठग सुकन से जुड़ा स्वीकार किया। चित्रा राम कृष्णन पूर्व MD OCU का एक्सचेंज में हेरफेर के मामले में गिरफ्तार किया गया, सामंत थारू प्रभु को। जस्टिन बाइबर भी विवादों में, सिंड्रोम बीमारी हो गई। इसके साथ हैं CJI ललित 74 दिन में रिटायर। ये देखिए कारण ये है कि DY चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में बने हैं और ये DY चंद्रचूड़ पुत्र हैं और यूवी ललित पिता हैं, मतलब बाप बेटे दोनों जो है मुख्य न्यायाधीश बने सुप्रीम कोर्ट के, और ये 49वें जो है पुत्र और पिता जो है 25वें या और ही कम में बने, इसलिए ये चर्चा में आए दोनों। गीतांजलि श्री भारतीय भाषा को पहला पुरस्कार, आशा परे किसी महिला को 22 वर्ष फाल्के पुरस्कार मिला। टाइम की 100 महिलाओं में शामिल। हरपिन चंडी ध्रुव पहुंचने वाली अश्वेत पहली महिला। पुलिचर के चेहरे सना इरशाद अबीट मटू दबे ये चर्चा में आए। और 4 सेल्फ मेड करोड़पति, 19 साल के केवल सबसे छोटे। फाल्गुनी नायर देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बनी। लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक्स के नए CEO, निजी भेंट JET सेवा। जय श्री लाल अमेरिका के सबसे अमीर सेल्फ मेड में शामिल। केवल ने बोरा उम्र सिर्फ 19, सबसे अमीर भारतीय में सबसे छोटे। रणवीर सिंह जो है चर्चा में आए, जो है फोटो इनका जो है वायरल हुआ, न्यूड फोटो। तो इस तरह ये बीते साल की जो है कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां, मृत्यु खबरें जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बढ़िए आगे, ये देख सकते हैं पैराग्लाइडिंग के दौरान कैनेपी नहीं खुला और मौत। पैराग्लाइडिंग वो होता है जब लोग पहाड़ों वगैरह से, आप देखते हैं कि खाई वगैरह में उसका लुत्फ उठाते हैं पैराशूट के थ्रू, तो वहीं पैराशूट जो है नहीं खुला और वह देख सकते हैं 50 फीट की ऊंचाई से गिर गए। उतरने के वक्त जो है नहीं गिरा, खुला नहीं, सही से काम नहीं किया, तो इसलिए वह 50 फीट की ऊंचाई से गिर गया और मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाकर आप इन सब से दूर रहें, कहीं भी जाए तो पैराग्लाइडिंग नहीं करें, हमारी यही राय। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ आपको दी जाती है जानकारी जो कि आपके जीवन से भी जुड़ा होता है। और चुनाव के 4 महीने पहले माइनिंग किंग जनार्दन रेड्डी ने बनाई पार्टी। कर्नाटक के माइनिंग किंग जी जनार्दन रेड्डी ने राज्य में चुनाव के 4 महीने भी जो है नई पार्टी बनाई है, कल्याण राज्य प्रगति पक्ष नाम से पार्टी बनाई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। 3 विदेशी इंजीनियर ने काम रोका, काम महिलाओं के बिना काम नहीं कर सकते। और अमेरिका के 60% लोग भीषण सर्दी से बेहाल, और यहाँ भीषण ठंडी से बेहाल लोग, 8,000 फ्लाइट रद्द। यहाँ भी हर जगह ठंडी ही ठंडी है। और कुछ विशेष न्यूज, अमेरिका में बर्फ पर पोलो की वर्ल्ड चैंपियनशिप, बच्चों की टीम ने अपने पेरेंट्स टीम को हराया। वर्ल्ड कप का शुरू हुआ प्रीमियम लीग का, कुछ खास नहीं आपके लिए।
और एडवांस कोडिंग सिस्टम, देखिए BSSC का मामला है, आप बने रहिएगा और कुछ लास्ट में अपडेट दी जाएगी। कर्पाल सहायक से भी अगर जो भी सूचनाएं हैं उनके बारे में भी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षाएं बीते दिन हुई 23-24 को दिसंबर को, जिसके क्वेश्चन पेपर मोतिहारी से वायरल हुए थे जो है, तो उसका खुलासा किया जा रहा है। खुलासा भी खुलासा, 9 लाख भविष्य से जुड़ा हुआ है छात्रों का, 2187 पदों के लिए परीक्षाएं हुई थी। तो देख सकते हैं एडवांस कोडिंग सिस्टम से पता चला कि कहाँ से लीक हुआ था। आयोग की नई व्यवस्था से 2 दिन में ही खुलासा हुआ है और सभी प्रश्न पत्रों को कोडिंग की गई थी और वायरल होते ही पता चला कि किस सेंटर से लीक हुआ, सेंटर के किस रूम से लीक हुआ। मोबाइल के जरिए सरगना तक पहुंची जांच एजेंसी जो है, अपराध इकाई जो है, आर्थिक अपराध इकाई ने। तो अजय ने नई सॉल्वर ने वायरल किया था प्रश्न पत्र, देख सकते हैं। जांच में यह भी पता चला कि अजय ने अपने भाई विजय के अलावा अन्य किसी को प्रश्न पत्र नहीं भेजा। विजय ने भी, देखिए अजय विजय का मामला है और ये और इसके जो है दिया था अजय कुमार के पिता अशोक कुमार बेतिया थाने में दरोगा हैं। अब देखिए इसके पिता दरोगा हैं और बेटा जुगाड़ू निकला, एक बेटा बाहर था सेटिंग करा था सेटिंग के चक्कर में, और एक को बैठाया था अपने। कुल मिलाकर जो है आला अधिकारी ही भ्रष्ट होते हैं, तो इसकी चल रही है और कॉलेज में ही बनाए जाएंगे परीक्षा पेपर में हिस्सा में, कुछ खास नहीं। चलिए और दिखाते हैं, नेपाल में गतिरोध खत्म, प्रचंड नए प्रधानमंत्री बने। देखिए प्रधानमंत्री बीते दिनों नेपाल में जो है चुनाव हुआ था और सभी पार्टियों को जो है बहुमत नहीं मिलने के कारण जो है अभी मंथन चल ही रहा था। तो देखिए वहाँ के राष्ट्रपति तो है विद्या देवी भंडारी और उन्होंने नया PM नियुक्त किया है KP शर्मा कोहली का, पार्टी से 2.5 साल का करार हुआ है। मतलब 2.5 साल आप प्रधानमंत्री रहिए और 2.5 साल हम रहेंगे, अलायंस हुआ है। तो प्रधानमंत्री को लेकर कई दिनों से चल रहा राजनीतिक गतिरोध रविवार को खत्म हो गया। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने CPN MC के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये आपको इम्पोर्टेंट्स है कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो ये 2.5 साल रहेंगे और उसके बाद जो है KP शर्मा ओली जो है वो 2.5 साल रहेंगे। तो इसको आप नोट कर लेंगे जो चीज़ें बताई जा रही है। और DLED देखिए स्पॉट एडमिशन चल रहा है, 30 दिसंबर तक निर्धारित जो तिथियां थी उसको रद्द कर दिया गया। 2022-24 में डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है DLED को लेकर। वैसे अभ्यर्थी जो कि शामिल हुए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022-24 में DLED में, तो उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट में नाम नहीं आया है। आवेदन शुल्क दिया है, कैफ का फॉर्म भरा है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं जिन जिलों में जिन संस्थानों में रिक्त सीटें हैं। तो बीते दिन भी हमने अपडेट दिया और आज भी जो अपडेट है, साथ ही सूबे में 6245 प्राथमिक मध्य विद्यालयों का अपना भवन नहीं, जिलावार भवन, मतलब काफ़ी सारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनका खुद अपना भवन नहीं है। विभिन्न जिलों के 38 जिलों का लिस्ट निकाला गया है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, चाहे वो किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवर, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली, सिवान, सारण, खगड़िया, भागलपुर, नरनतार, शेखपुरा, बेगूसराय, लक्सर, बहुत समस्तीपुर, लक्सर, भोजपुर, गया, नवादा, जमुई, 38 जिलों की ये हाल है। और पिपराकोट अंचल के आदेशपाल को संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। कुछ खेलों में भी महिला शक्ति के नाम रहा यह साल, जो उपलब्धियां हैं जाते जाते साल में क्या क्या। भाला फेंक में गोल्डन
बॉय नीरज चोपड़ा जो है चमके, और निशान बाजी हाथ में आई निराशा, और बैडमिंटन में अभूतपूर्व सफलता हुई, मुक्केबाजी निखत बनी रिंग की रानी। कॉमनवेल्थ गेम्स कुल मिलाकर खेलों से अलविदा कहने वाले टेनिस रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के, और सेरेना विलियम अमेरिका के जो है खेलों से अलविदा कर दिए टेनिस से। क्रिकेट में झूलन गोस्वामी जो है पश्चिम बंगाल के, और मिताली राजस्थान, इन्होंने भी अलविदा कर दिया। फार्मूला वन के सेबेस्टियन बेस्टल जर्मनी के, इन्होंने अलविदा किया। कार्लोस अर्जेंटीना से, इन्होंने भी अलविदा कहा। कतर विश्व को दीप्ति शर्मा का मार्केटिंग कुछ खास नहीं। देखिए हम अपने लक्ष्य से कतई न भटके, एक बात समझिए, हम अपने लक्ष्य से कतई नहीं भटके। पॉइंटों को नोट कीजिए, मोटिवेशनल पॉइंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स। आपके जो मिशन हैं, जो लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य पर टिके रहें, बने रहें, प्रयास करते रहें, और हर बार जो है उस चीज़ों को दोहराने की कोशिश ना करें जो गलतियाँ हो रही हैं, पुनरावृत्ति नहीं करें, सुधारने की कोशिश करें, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें, और अपना बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करें। आने वाले दिनों में आप अपने मिशन में कामयाब होंगे, और आपको मिलेगी आपका मिशन। मिशन अलग अलग हो सकते हैं सबके, चाहे किसी के सरकारी जॉब हो, चूँकि यहाँ आप सरकारी जॉब से जुड़े हैं तो आपका मिशन अलग सरकारी नौकरी हो सकता है। किसी के मिशन सिंगर बनना हो सकता है, किसी का फिल्म इंडस्ट्री में, किसी का प्लेयर्स मतलब कोई खिलाड़ी, कोई गायक, कोई अभिनेता, कोई लायर, कोई वकील, कोई कुछ भी बनना चाहता है। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, ट्राई करें, प्रयास करें, कोशिश करें, इम्प्रूवमेंट करें, लक्ष्य से नहीं भटकें। तमाम सारी परिस्थितियां आएंगी, आपको भटकाएंगी, लक्ष्य से विचलित करेंगी, आप उनसे नहीं डरें, नहीं झुके, नहीं रुके, और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही टिके रहें। लक्ष्य सरकारी नौकरी, आपको हर समय हर पल मोटिवेट करते रहेगा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। तो अब रही कि हम अपने लक्ष्य से कतई नहीं भटके। वर्तमान में अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं, अब वह हार चुके हैं ऐसा उन्हें लगता, बहुत सारे परिस्थितियाँ, बहुत सारे जन आंदोलन, महा आंदोलन। तो होता है ऐसा कि चीज़ें आपके अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होते जाते हैं, जिसका कारण आप अपने लक्ष्य से भटकना चाहते हैं। वहीं वो परिस्थितियाँ, वो समय रहती है कि कुछ लोग टिक जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग शिखर पर पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति उन परिस्थितियों से जूझता है, उस पर संयम रखता है, धैर्य बनाए रखता है, वह निश्चित ही सफलता के करीब होता है। तो आप भी धैर्य बनाए रखें, अगर इतने दिनों धैर्य बनाए हैं, जुनून है, जज्बा है, तो टिके रहें। लोगों को एक अर्घा समय हो जाता है लक्ष्य को पाने में, और अभी तो आप में भी कोई 20 वर्ष होगा, कोई 30 वर्ष होगा, कोई 35 वर्ष होगा, कोई 40 वर्ष होगा, कोई 25 वर्ष होगा, कोई 28 वर्ष होगा। अरे अभी तो आपको जॉब्स जो होते हैं 60 साल के होते हैं उम्र के, किसी को आप सुनते होंगे कि 50 साल में जॉब लगा, किसी को 35 साल में, किसी को 25 साल में, किसी को 30 साल में, किसी को 18 साल में, किसी को 20 साल में। तो जो भी है, अभी तो आपके संघर्ष के दिन हैं, लिस्ट में है, पैनल में है, संघर्ष कीजिए। होना हो आपके मिशन और लक्ष्य इसी में हो, आपके भविष्य इसी में हो। सपोज दैट अगर आप 30 वर्ष में जॉब कीजिए तभी सफिशेंट है, 20 वर्ष करते हैं अगर 40 वर्ष उम्र है तभी सफिशेंट है। हमारे गांव में एक
व्यक्ति को देखा हमने कि 45 वर्ष में वह टीचर बना, तो समझिए उनका कितना संघर्ष रहा होगा। लेकिन उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा, तभी तो 15 वर्ष ये जॉब करेंगे। तो ऐसे ऐसे उदाहरण है। ठीक है, अब दिन और समय काफ़ी चला गया है, किसी को 18-17 वर्ष में ही जॉब लग जाती है, तो आप इन चीज़ों को अब गंवा चुके हैं। अब आपके जो वर्तमान समय है, यदि इस लक्ष्य से हटते हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान करते हैं। किसी भी फील्ड में अगर आपने गंवा दिया है उस समय को, तो उस अंतिम समय को नहीं छोड़े। जरूरी नहीं कर पलक साए, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में यदि आप असफल हैं और अब उस राह को छोड़ना चाहते हैं, तो कतई नहीं, आप प्रयास करें। एक अंतिम मौका, कहीं वहीं आपकी आखिरी मौका ही आपको सफलता के करीब ले आए, तो आप लक्ष्य से कतई ना भटकें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय शाहरुख खान काफ़ी विवादों में आ गए थे, पठान फिल्म को लोग कह रहे थे, देख सकते हैं वहीं निकाला गया है, और फिल्म टिकट के जो दाम होंगे उस पैसे में, मतलब, और शाहरुख खान आपको टॉप जो है बेस्ट एक्टर वगैरह में वो 50वें की किस्त में शामिल किए गए हैं। दीपिका पादुकोण भी फीफा वर्ल्ड कप के जो है जो ट्रॉफी था उसका अनावरण की। तो लोग विवादों में आते हैं, तो ऐसा नहीं कि वह कुछ ऐसा कर ले जिनसे कि उन्हें उन लोगों को से वो चुप्पी साधे रहते हैं और आखिर दुनिया उन्हें जिस रूप में जानती है, देखती है, तो उन्हें वह नवाजती है। जैसा कि शाहरुख खान को आपने देखा, नवाजा गया, दीपिका पादुकोण को भी। आखिर वो चीज़ें हैं उनके अंदर, तभी ना उन्हें कोई फीफा वर्ल्ड के लिए अनौर कर रहा है, कोई उन्हें टॉप में शामिल कर रहा है। तो यही है कि आप अपने लक्ष्य से कतई नहीं भटकें। चलिए अन्य चीज़ देखते हैं। देवगा का झटका, ओली के समर्थन से प्रचंड बनेपन, 2.5 साल पर PM बने हैं 2 बार, और ये आपको तो हम बता ही दिए। तो वर्तमान में पूछा जाएगा कि नेपाल का कौन प्रधानमंत्री किए गए हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कौन बने हैं, कितने सालों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर बढ़ रहा कोरोना, सावधान रहें। नरेंद्र मोदी जी का जो है अलाउंस स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी, देखिए कोरोना से आप सतर्क रहें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, लोगों को अवेयरनेस करें, और कहीं भीड़ भाड़ इलाके में जाएं तो मास्क का यूज करें, लोगों से सतर्कता बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करें, सभी डोज लें। अगर फर्स्ट और सेकंड ले लिए हैं तो बूस्टर डोज ले लें। तो ये सब बेसिक कुछ जानकारियां हैं, और आप भी लोगों को सचेत करें, क्योंकि अब मामला अगर फिर से बढ़ रहा है तो यह आपकी लापरवाही का कारण होगा। इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने भुगता है, देखा है, चीज़ों को समझा है। इसलिए आप भी सभी लोगों को जागरूक करें, अपने जो भी परिवार, रिलेटिव, गांव, समाज में हैं, उन्हें भी अवगत कराएं कि आप इन चीज़ों का पालन करें और सतर्कता बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहार समाज को ST वर्ग में शामिल करने के लिए जो विचार विमर्श किया जा रहा है, सभी बैठक किया जा रहा है लोहार समाज के जो भी लोग हैं, क्योंकि आपको बता दें ST से हटा दिया गया है लोहार समाज को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC में शामिल किया गया है। पहले ये BC में थे, फिर से लड़े तो ST में आ गए, और फिर से सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया, और ये फिर से EBC में आ गए हैं। तो अब मांग करना है कि फिर से हमें ST में। समाज कानून ही समाधान, एक देश एक विधान। तो समाज में देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के अनुसार देश के सभी नागरिक समान हैं,
जाति धर्म भाषा छेद के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। 16 सबको समान अवसर उपलब्ध कराता है। 19 अनाज देश में कहीं भी जाकर पढ़ने, रहने, बसने, रोजगार करने का अधिकार देता है। 21 सबसे सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, लेकिन अधर्म पालन का नहीं, समझे? 25 रीति रिवाज पालन कीजिए, समान नागरिक संहिता से देश को ऐसी दिशा हो। कुछ अनुच्छेद हैं जो कि आपका अधिकार देता है, आपको पालन करना। कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन ने नई पार्टी बनाई, वही चीज़ें हैं। और मेसी का पुराना अरबी परिधान खरीदने के लिए करोड़ों की पेशकश। और कुछ ये भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है क्योंकि कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया गया 25 दिसंबर को, और क्रिसमस डे भी था। तो हर साल 25 दिसंबर को जो है मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को। बहुत कुछ आपने जाना होगा इस वीडियो में जो कि आपको आरएस के शाखाओं में हो सकता है। देखिए, नए प्रयोग की तैयारी में विश्व का सबसे बड़ा आरएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो है अब ऐसा विचार किया जा रहा है कि महिलाओं को भी उसमें जोड़ा जाए, प्रवेश दिया जाए, क्योंकि अभी तक सिर्फ जो है पुरुषों को ही उसमें शामिल किया जा रहा था। और ऐसा कि विचार विमर्श हो रहा है। और ये देखिए, आप थोड़े और कम समय से अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं। ज़रा इन कहानियों को लीजिए, इन घटनाओं को लीजिए। उद्यम से नाम सुने होंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1922, देख सकते हैं। 21 साल बाद, कम नहीं होता है, 21 साल बाद उद्यम सिंह ने लिया जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला। तो कोई किस तरह अपने लक्ष्य पर टिका रहता है कि 21 साल बाद सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही मिशन कि हमें हर हाल में जो जनरल डायर था उसको हमें मारना है। वो डायर था जो था, क्योंकि उन्होंने निहत्ते लोगों पर जो है गोलियां बरसा दी थी। तो एक कितना प्रतीक्षा होता है, एक मिशन होता है, जज्बा होता है जो। और आप जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। आपको इन चीज़ों से सीख लेना चाहिए। देख सकते हैं, महान क्रांतिकारी सरदार उद्धम सिंह का जन्म 1899 में आज ही पंजाब के संगरूर जिले में हुआ था। माता पिता के देहांत के बाद अनाथ आश्रम में बड़े हुए। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी रहे उद्धम सिंह ने नरसंहार देकर बदला लेने की ठान ली। 1924 में गदर पार्टी से जुड़कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देशों में बसे भारतीयों को संगठित किया। 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओडायर, यही माइकल ओडायर को गोली मारकर नरसंहार का बदला लिया। 31 जुलाई को उन्हें 1940 को फांसी दी गई। तो माइकल ओडायर को जो है इसलिए उन्होंने मारा कि जब वो बचपन में थे, उम्र ज़्यादा नहीं होगी, 10-15-20 से कम ही होंगी, तो उन्होंने देखा कि किस तरह वह भीड़ इकट्ठा हुई थी और वहाँ पार्क वगैरह में, और उस पर वह गोली चलवा दिया, निहत्ते लोग मारे गए। वहाँ पर एक एक्ट लाया गया था, रॉलेट एक्ट भी, कि बिना अपील बिना दलील के किसी को भी पकड़कर उन्हें बंदी बना दिया जाता था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इतिहास से सीखना चाहिए, उन चीज़ों को अमल करना चाहिए अपने जीवन में, अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए, नहीं भटकना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी को लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, किसी को सही रास्ते दिखाते हैं, किसी को। सुप्रीम कोर्ट में 538 फैसलों का क्षेत्रीय भाषा में बाद हुआ, और पटरी टूटी तो
भारतवंशी मिक्की होती बने लोधी सिटी के पहले सिख मेयर, कैलिफोर्निया से लोधी सिटी का मेयर चुन लिया गया है होती सर के, ये भारतवंशी जो है मिक्की होती। तो हमने बहुत कुछ जाना और सीखा, आशा करता हूँ कि आप सभी कुछ चीज़ें अवगत हो गई होगी। अब चलिए बताते हैं क्या कुछ अपडेट है। जैसे कि सभी वालिया जो जैसे है तैसे चल ही रहा है। रही बात एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को अनियोजित कार्यपालक का, तो बीते दिन एक लेटर निकाला गया था कि सभी जिलाधिकारी जो भी पैनल हैं वो भेजे बीपीएसएम को, क्योंकि लिस्ट भेजना है, परीक्षाएं ली जाएगी बेल्ट्रान से और 1,000 शुल्क देकर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कराया जाएगा, और जो पैनल बनेगा उसको शामिल करके भविष्य में उन्हें बहाली दी जाएगी। बेल्ट्रान की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया होती है इस तरह होती है, पहले रिटेन एग्जाम होता है 60 नंबर का, कंप्यूटर बेसिक ओवरऑल नॉलेज, इसमें SC ST अगर हैं तो 27 नंबर पर पासिंग होता है, और जनरल कैंडिडेट के लिए 30 यानी 50% पर पास रहता है। ये तो रहा रिटेन का, पास करते हैं तब आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग, हिंदी 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश 30 वर्ड प्रति मिनट ली जाएगी। या बीते दिनों जो हुआ तो किसी एक में पास थे तो उन्हें ले लिया गया, लेकिन ऐसा कहीं उल्लेख था नहीं कि किसी एक में, कैंडिडेट ने दोनों तैयारी की, जिसमें आपको बता दें कि अप्रोक्स 80,000 रिटेन में बैठे हुए थे, 15,000 पास किए और 7,000 जो है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में पास हुए। वहीं 7,311 की बहाली चल रही है, जिसमें मुश्किल से मुश्किल 1,000-1,500 के बीच में जो है बच्चे होंगे स्टूडेंट्स। अब बेल्ट इधर तमाम जो अनियोजित कर पलक जन आंदोलन महा कर रहे थे उनके लिए यही नियम लगा दिया कि आप इन बेल्ट्रान के प्रक्रिया में शामिल होंगे 1,000 रजिस्ट्रेशन शुल्क देकर, और तब आपको जो है पैनल में जो 1,500 के नीचे शामिल किया जाएगा। तो मोटा मोटी मान लीजिए 5,000 कैंडिडेट हैं कार्यपालक सहायक, तो 5,000 में अगर 100-200 पास कर ही लिए रिटेन एग्जाम, उसके बाद जब गए टाइपिंग वगैरह में तो 150 पास कर लिए मान के चलिए हिंदी, या 100 एक एवरेज बताया जा रहा है, तो इन 100 लोगों को जो है 1,500 के नीचे 1,600 बना दिया जाएगा, और 4-5 साल के बाद जो वैकेंसी आएगी, जैसे अभी देख ही रहे हैं 19 का बेल्ट्रान का, 20, 21, 22 और अब 23 आने वाला है, 4 साल हो गया, अभी 1,500 बचे, तो इस तरह बहाली होगी और बाकी को खत्म लिस्ट पर। तो यदि आप इन झमेला में पड़ते हैं तो सरेंडर बोल देते हैं तो, और नहीं आप सहयोग देते हैं, समर्थन देते हैं, अपने यूनिटी संघ से जुड़े रहते हैं, उनके द्वारा बताए नियमों पर चलते हैं हर समय हर पल उनका साथ सहयोग करके, जिस तरह आपने पटना में दिया, बहुत कम मात्रा में उसे मात्रा को बढ़ाना होगा, सहयोग की मात्रा को बढ़ाना होगा, समर्थन की मात्रा को बढ़ाना होगा, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को जोड़ना होगा, आपको कुछ संघर्ष करना होगा, उनका साथ सहयोग समर्थन देना होगा, और अपने अपने जिले के एक टीम मेंबर बनना होगा और हर पार्टिसिपेट करना होगा, हर सारी गतिविधियों में सहयोग समर्थन देके अपने अपने जिला यूनिटी। आज जो है अवगत कराया गया कि गूगल मीटिंग किया जाएगा, और जिसमें सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक बिहार के जो मीटअप में भाग लेंगे और भावी रणनीति को तैयार करेंगे उस मीटअप के द्वारा कि अब क्या करना है,
ज्वाइनिंग को लेकर। तो आगे रणनीति बनाएंगे और जैसे सारी अपडेट आएगी आपको दी जाएगी। और जो लोग इस एक्टिविटी में भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ सूचनाएं लेते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि कोई संघ यूनिटी बंदा हर जिले का 38 जिलों के लगा हुआ है और आप उनका सहयोग साथ समर्थन नहीं देते हैं, दुर्भाग्य होगा। तो ऐसा नहीं करें, हर पल 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 बने रहें, जुड़े रहें, उनके साथ दें, जब तैसे तब तैसे जैसे आपको अवगत कराया जाए उनका आप साथ सहयोग और समर्थन दें, पहुँचें और अपने लक्ष्य को पाएं, अपने मिशन को पाएं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उठो जागो और भागो तब तक जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाए। एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य, सरकारी नौकरी। तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को नहीं पाओ। सपने वो नहीं होते जो दिन में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जिसके बिना नींद और चैन नहीं आती है। बहुत सारे मोटिवेशनल हैं जो कि आपको समय समय पर अवगत कराया जाता है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।